ओके सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट द अगमेंटेड रियलिटी, कि अगमेंटेड रियलिटी होती क्या है एज अ लेमैन, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ टाइगर, है ना, कि टाइगर जो है वो हम सिंपल अपने ब्राउजर में अगर टाइप करें, जस्ट वेट, कि सिंपल टाइगर हम अपने ब्राउजर में अगर टाइप करते हैं, सो वी विल गेट एन ऑप्शन टू व्यू टाइगर इन 3D. इफ वी क्लिक ऑन दिस वन, देन द 3D टाइगर विल बी अवेलेबल, एंड देन इफ यू क्लिक ऑन व्यू इन योर स्पेस, सो देन द टाइगर इज द पार्ट ऑफ माई रूम. ओके सो नाउ यू कैन सी द टाइगर इज द पार्ट ऑफ द रूम, एंड दिस इज वॉट वी कॉल अगमेंटेड रियालिटी, अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अगमेंटेड रियालिटी. इसमें जो भी एलिमेंट, रियल वर्ल्ड फिजिकल एलिमेंट जो यहाँ पे हैं, वो यहीं पे हैं. इवन यू कैन सी माई हैंड, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू लाइक दिस वन. तो और इसमें फिर बहुत सारी ऑप्शन आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे लोग फोटो चढ़ाते हैं बच्चों को बिठा के साथ में, सो यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ फ्रॉम हियर. सो दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अगमेंटेड रियालिटी. और इसके ऊपर हमारा ट्रबल शूट था कि कुछ फोन में ये काम कर रहा है, कुछ में नहीं कर रहा है. सो दैट डिपेंड्स बेसिकली ऑन द टेक्नोलॉजी दैट दे यूज टू डेवलप दीज रिसोर्सेज. तो वो टेक्नोलॉजी ये जो इसमें यूज किया गया है उसको हम AR कोर बोलते हैं. एंड दिस इज नॉट द हार्डवेयर प्रॉब्लम, फोन में कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपनी को सर्टिफिकेशन लेना होता है AR कोर का गूगल से. सो दोज जिनके पास नहीं होता है उनमें ये नहीं चलता है. ओके सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर परचेजिंग अ फोन, अगर उसमें नहीं चल रहा है तो आप ये इसको सॉरी पहले ही आप चेक करके देखिए कि जो फोन आप लेने जा रहे हैं, रेदर देन टू हैव अ गुड कैमरा और अदर थिंग्स, यू शुड ऑल्सो चेक कि ये AR कोर सपोर्टेड है कि नहीं है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अगमेंटेड रियालिटी. इसमें और भी हम देख सकते हैं, जैसे आपके बच्चे भी मोबाइल फोन यूज करते होंगे, वो फिल्टर्स लगाते हैं, कैमरा लग जाता है, स्पेक्स लग जाती है, टोपी लग सकता जाती है. सो दैट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी. ओके सो दैट्स ऑगमेंटेड रियलिटी एज अ सिंपल. इसमें हमारा अपना भी एक ऐप है जिसका कंटेंट हम अभी देखेंगे जब हम कंसेप्ट टीचिंग की बात हम करेंगे. ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट इज द वर्चुअल रियालिटी. ठीक है, सो एज अ डेफिनेशन वट डज इट मीन कि वर्चुअल रियालिटी का मतलब क्या है. Virtual reality means filling the imaginary, that is the virtual world. It is basically an experience taking place within a simulation which can be similar to or completely different from the real world. ठीक है, augmented reality में हमने कहा कि जो concept augment किया जाता है software की help से, वो आपके real world का हिस्सा होता है. But in virtual reality we are saying that may be similar or completely different from the real world. ठीक है, सो एन इमर्सिव आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज बीइंग क्रिएटेड दैट विद द सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेड टू द यूजर इन सच अ वे दैट यूजर सस्पेंड बिलीफ एंड एक्सेप्ट इट एज अ रियल एनवायरनमेंट. कि वो अगर हम यूजर्स को दिखाएं, अपने लर्नर्स को दिखाएं थ्रू विद प्रॉपर गैजेट्स, ठीक है, तो वो जो हमारा लर्नर है उसको ये लगेगा कि वो उसी एनवायरनमेंट का हिस्सा है. सो दिस इज जस्ट अपोजिट टू द व्हाट ऑगमेंटेड रियलिटी इज. सो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें आपको दिखाना चाहूंगा. आई हैव डेवलप सम रिसोर्सेज इन ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, सो लेट मी शो यू. बट इसमें क्या है कि रिसोर्सेस हमें देखने के लिए कुछ गैजेट्स चाहिए. जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए हमें मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी के लिए हमें हेडसेट डिवाइसेस चाहिए जो हम लगा के उसको देख सकें. जैसे कि अभी मेरे पास में एक ये है, ये वाला सेट है ना, सो दिस इज वेरी कॉस्टली, सो इस टाइम का सबसे बेस्ट है ऑकुलस का है ना, लेकिन ये बहुत चीप भी आते हैं, इट स्टार्टेड फ्रॉम 250 रुपीज, सो वो भी आप देख सकते हैं. लेकिन अगर ये नहीं भी है तो भी आप वर्चुअल रियलिटी जो है वो देख सकते हैं, बट वो सेमी इमर्सिव होगा. सो मीन्स वर्चुअल रियलिटी इज ऑफ टू टाइप्स, फुली इमर्सिव एंड सेमी इमर्सिव यू कैन से, कि जिसमें थोड़ा मतलब कम हमें वो फीलिंग आती है. तो इसमें आप देख सकते हैं ये सैंपल है एक
महात्मा गांधी का आश्रम है वर्धा में. ओके, सो व्हेन आई विजिटेड दैट वर्धा यूनिवर्सिटी, सो आई कैप्चर दिस वन. यू कैन सी कि इसमें ये 360 डिग्री पैनो है, तो हम इसके चारों तरफ देख सकते हैं. नाउ अगर यही आपको इस हेडसेट में देखना होता, सो जो सिंपल वाले होते हैं ना, उसमें बेसिकली क्या है कि आप ये टूर अपने फोन पे ओपन कर लीजिए, वेबसाइट तो है ना. जब आप उसमें करेंगे तो इसमें बेसिकली दो लेंस होते हैं, जो सिंपल वाला होता है उसमें भी दो ही होते हैं. ठीक, तो फोन को, फोन में इसको ओपन करना है, और फिर ये वाला बटन मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि अगर आप इसको वेब वीआर में देखना है, जैसे ये करेंगे द स्क्रीन विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दो लेंस में हो जाएगा. फिर जिस तरफ आप देखेंगे आप चारों तरफ इसी को ही जो है वो आप देखेंगे. अब एंड देन एट दैट टाइम यू विल इमेजिन दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड नॉट while sitting in your room. आप अपने रूम में बैठे होंगे तो भी आपको लगेगा कि आप अभी जो वर्धा में जो जो आश्रम है, आप वहीं पे बैठे हैं, गांधी का जो आश्रम है. ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस. सो इसमें भी हम चारों तरफ देख सकते हैं. सो नो यू कैन से दिस इज अ वर्चुअल रियलिटी स्टोरी है ना टूर. सो इसमें डिफरेंट मार्कर्स इसमें लगे हुए हैं. सो लेट स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट दिस इज the ground where Gandhiji used to pray in the morning and in the evening. When Gandhiji came to this ashram, he stayed in this cottage and we called it first cottage. आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर चले जाएंगे, है ना. तो ऐसा ही अगर आप इसको पहन के करेंगे, so we'll be inside the cottage. You can see from inside. अभी तो खाली है, it's a museum. So then there is a marker to came out. तो इसमें आप इसको देख सकते हैं, इसमें पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी बेसिकली लगा हुआ है, तो उसको यहां से हम बंद कर देते हैं. सो अब ये आश्रम कहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल मैप सामने खुल जाएगा और बता देगा कि ये इसका लोकेशन है मैप के ऊपर में, कहाँ पे ये सिचुएटेड है. ओके, सेकंड इसमें गायरोस्कोप टॉगल है ना. तो गायरोस्कोप इज अनदर सेंसर. वर्चुअल रियलिटी, जैसे अगमेंटेड रियलिटी के लिए मैंने कहा कि अगर AR4 का वो बना हुआ है तो आपको सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, ऐसे ही वर्चुअल रियलिटी के लिए आपके फोन में गायरो सेंसर्स होने जरूरी है. सो नाउ अब आपको सिर्फ सेल्फी कैमरा तक ही स्टॉप नहीं रहना है, और ये चीजें दुकान वाला नहीं बताएगा, आपको खुद जाके फोन की वेबसाइट पे सर्च करना होगा कि उसमें ये सेंसर्स हैं कि नहीं है. तो मोस्टली होते हैं, बहुत सारे फोन में होते हैं. मैंने देखा है कि जो सैमसंग के अगर 12-15 हजार तक के नीचे के फोन है शायद उसमें नहीं थे, बाकी सब में होता है ना. तो वी रिक्वायर गायरो. गायरो इज अ हार्डवेयर है ना, क्योंकि अगर गायरो होगा तो जैसे आप मूवमेंट करेंगे फोन में ऐसे ऐसे वो अपने आप करेगा. ठीक, अगर नहीं होगा तो आपको फिर ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा स्क्रीन के साथ में. और इसमें ही एक ये प्लैनेट व्यू लगा रखा है कि आप एक ही क्लिक में पूरे आश्रम का व्यू जो है वो देख सकते हैं चारों तरफ. So that's a part of the virtual reality. तो इसमें बहुत सारे markers हैं, हम आगे पीछे इधर उधर जो है वो जाके देख सकते हैं. So this is the second cottage जहाँ पे गांधी जी उनका secretariat था. So you can read about this cottage. This is name suggests the place where resident of Gandhi ji. Mostly वो इसी cottage में बैठ के काम करते थे. His belonging of daily use are kept here. इसमें अभी भी हैं. तो चलिए इसके अंदर चलते हैं. Just click on this one and you will be landing inside the this गांधी सेक्रेटरिएट कॉटेज. यहाँ पे उनका बेड लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. वो यहीं नीचे ही बैठते थे, दैट यू नो वेरी वेल है ना कि गांधी नीचे ही बैठते थे. उनके सामने दीवार पे एक फोटो लगा हुआ है, तो उस पर क्लिक करिए, आपको फोटो भी दिख जाएगा. उस पर लिखा हुआ है हे राम. सो लैपटॉप में अगमेंटेड रियालिटी कुछ हद तक पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें सेंसर्स नहीं है. ठीक है, लेकिन उसमें डेफिनेटली कैमरा है. तो अभी हम उस पे सेकंड स्टेप पे आएंगे. ओके, अभी हम जो है वो वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत आपको क्या आएगी कि जैसे सरफेस हमें चाहिए. ठीक है, तो इसमें 3D की देखने के लिए आपका सॉफ्टवेयर नहीं होता है, और सरफेस के लिए लैपटॉप को उल्टा करना पड़ेगा, और इसमें सेंसर्स नहीं है जो ये रीड आउट कर सके कि सरफेस कितना दूर है. सी आपके फोन पे जैसे देखा होगा आपने फोन, जैसे मेरा फोन है, जस्ट जस्ट फ्यू सेकंड्स आई एम गोइंग बैक.
जैसे ये मेरा फोन है ना, जब भी आपको कॉलिंग आएगा तो यहाँ पे एक सेंसर ऑन हो जाएगा, है ना, आपने भी देखा होगा। तो और जो सेल्फी कैमरा आप करेंगे तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कि मेरे फेस से ये कितना दूर है, तो कॉलिंग में जैसे ही फोन यहाँ लगाते हैं फोन बंद हो जाता है। वो क्यों बंद हो जाता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स वो आपके इसमें कैमरा में नहीं है, लैपटॉप के कैमरा में। सो देयर आर वी रिक्वायर नॉट जस्ट द कैमरा बट द अदर हार्डवेयर एंड सेंसर्स आल्सो। ओके सो कम बैक। सो यू कैन सी द डिफरेंट बिलोंगिंग्स जो यहाँ पे कैप्ट करके रखी हैं, उनके इस टेबल में क्लिक करेंगे तो यू फाइंड आउट द बिलोंगिंग। सो लाइक दिस वे द वर्चुअल रियालिटी द यूजर फील्स दैट ही आर शी इज एक्चुअली एट अ डिफरेंट प्लेस। अगर आप प्रॉपरली इसको लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी अलग जगह पे बैठे हुए हैं, मतलब जो चीज आप देख रहे हैं यूजर को जो दिखाएंगे उसको वही दिखेगा। सो लेट्स केम आउट ऑफ दिस टूर एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर content. Then we have the mixed reality. Okay, mixed reality, what it says, it combines the features of virtual and augmented reality, and it's also called augmented virtual reality. So dono ke features ek saath mein ho jayenge, jaise aap sci-fi movies mein dekhte hain. But that's possible, it's quite possible. Aap wo aap please kuch bol rahe hain? ओके सो इसमें दोनों के फीचर्स जो हैं वो साथ में होते हैं। वो जो सस्ते वाला हेडसेट में कह रहा हूँ वो भी आप लेंगे तो उसमें भी आजकल बहुत सारी एप्स ऐसे आ गई हैं, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द सेंसर्स इन योर मोबाइल फोन। जो आपके फोन में सेंसर्स होंगे उस पर वो काम करेगा, लेकिन अगर आपके पास अच्छे वाले हेडसेट होंगे तो मिक्स्ड रियलिटी के लिए हमें ऐसे वाले हेडसेट चाहिए जिसमें ये उसमें एक्चुअली इंटरेक्शन के लिए होता है ना। सो अगर आपके पास ऐसा है तो देन इट्स अ पार्ट ऑफ द मिक्स्ड रियलिटी। प्लीज आप अपने आप को जो है ना वो म्यूट कर दीजिए, ठीक है। ओके सो दैट्स अ मिक्स्ड रियलिटी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द कंटेंट पार्ट, दैट हाउ what is the difference of using all these realities, hai na? So now for example I'm going to teach one concept of the cell, ki mujhe cell ka ye concept padhana hai kyunki biology mein hum to usi ke resources ki hum baat karenge. To this image I have taken from our own NCERT textbook. So this is the what are the different possibilities and different scenarios, hai na, aapke paas mein kya possibilities hain. So pehla ready made possibility to yahi textbook ka jo page hai वो यही है ना, कि आप बच्चों को ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके सेल के बारे में, उसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में आप उसको बच्चों को जो है वो पढ़ा सकते हैं। द सेकंड माइट बी यू हैव अ वीडियो, है ना, दैट्स अ रेडीमेड कंटेंट जो भी उसमें है तो आप बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक। देन द पॉसिबिलिटी कि आपके पास में ऑगमेंटेड रियालिटी का कंटेंट जो है सेल में वो आपके पास में मौजूद है ना। सो जैसे ये इमेज है, लेट मी ओपन दिस इमेज, और इसमें आई विल बी टेकिंग यू टू ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप ऑफ एनसीईआरटी, है ना। टिल देन इमेज इज ओपनिंग, तो तब तक हम इसको थोड़ा कर लेते हैं। तो इमेज भी हमारा ओपन हो ही गया है। सो एनसीईआरटी का जो ऐप है ऑगमेंटेड रियलिटी का, उसमें ये इस टाइप का कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ क्योंकि दोनों स्क्रीन पे आएंगी। So, class 9th, biology, it's a chapter 5, and image is, I think, 5.5. Let me see. Because I just forget the image. Figure, yeah. 5.5. It's true. This is an animal cell. It lacks a cell wall. Each cell contains several organelles. Tap on an organelle in the list to know its structure and function. Okay, so now you can see कि अगर आपके पास में augmented reality का content जो है वो available है तो आप बच्चों को वहीं से वो पढ़ा सकते हैं। Figure 5.5. This is an animal cell. It lacks a cell wall.
Each cell contains several organelles. Tap on an organelle in the list to know its structure and function. Okay, so ye 3D cell hai. Aap isko kisi bhi side mein aap isko jo hai wo move kar sakte hain. This is an animal cell. It lacks a cell wall. Each cell contains several organelles. Tap on an organelle in the list to know its structure and function. So say for example, I wanted to know about the nucleus. So let's click on the nucleus. Look inside the nucleus to observe the chromatin fibers and the nucleolus floating in the nucleoplasm. ठीक है, तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं nucleoplasm को. Then go back, choose another organelle from the menu. Say for example, endoplasmic reticulum. Rough ER contains. You'll see the 3D structure of the endoplasmic reticulum that, and how it is connected with the nuclear membrane. Smooth ER helps in processing of proteins. Then go back. So for example, mitochondria. Golgi apparatus. Oh, sorry, Golgi apparatus. You can see the 3D structure of Golgi apparatus. Occurs here. Go back and find out the other organelle. So in this case, this is much better than rather than using an image. This is NCRT e-Pathshala app. It is available on Play Store. Okay, so currently we are developing the content for class 9th and 10th. So उसी से हमने स्टार्ट किया है एंड मे बी वेरी सून वी आर गोइंग टू अदर क्लासेस आल्सो. ओके, इट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, सो फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी दैट आई वांटेड टू यूज, आई वांटेड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ सेल एंड विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस दैट कंटेंट वाज ऑगमेंटेड एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर ऑन देयर मोबाइल फोन. इट्स अ पार्ट ऑफ इट. आपने देखा कि बाकी चीजें भी यहाँ की यही है बट वो सेल जो है वो उसके ऊपर लाइव है. And if we compare it to the video, this is not time dependent. आप कितना भी time उसको चाहे एक organelle को आराम से आप देख सकते हैं, click दूसरे पे जाएंगे. It's interactive type of content, and you can have this one. Okay, so this is one of the example from the augmented reality. अब हम दूसरा करेंगे. But now आपने इसमें ये भी देखा कि जो tiger हमने scan किया था, है ना? Tiger हमने जो scan किया था उसमें सॉरी, हमने टाइगर को स्कैन नहीं किया था, डायरेक्टली वो हमारी सरफेस हमने स्कैन की उस पे आ गया. बट इन दिस केस वी स्कैन एन इमेज, सो वी कैन से दैट ऑगमेंटेड रियलिटी इज ऑफ टू टाइप्स, मार्कर बेस्ड एंड मार्कर लेस. ठीक है, जिसमें हमें मार्कर बेस्ड, वो स्पेसिफिक मार्कर हमें चाहिए. जैसे इमेज है तो एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो मार्कर बेस्ड है कि आपको ये वाला सेल आपको पढ़ाना है तो ये सेल का आपको इमेज चाहिए. फिर वो हार्ड कॉपी में हो, सॉफ्ट कॉपी में हो, कलर हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो, आपके टेबल पे हो, कहीं भी होगा, इट विल वर्क वेरी स्मूथली. ठीक है, सो उसमें चाहिए. ओके, ये काम कैसे करता है वही हम बता रहे हैं आपको कि ये काम कैसे करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू टीच दिस कंसेप्ट, सो आपको एनसीईआरटी का ई पाठशाला का ऐप चाहिए, इस जो अभी मेरे मोबाइल फोन पे ओपन है. ठीक है, सो प्ले स्टोर पे मैं आपको दिखा देता हूँ. वेट फॉर टू सेकेंड्स. So this one, this is the app. Okay, so iska main aapko link bhej deta hu, you can download. Haan, to jinka aapka agar space ka option nahi aa raha hai, so that's with the certification problem, sir. But the technology that we use to develop this type of content, we use Unity software. It is not AR core, तो definitely आप इसमें हर वो मोबाइल फोन चलेगा जिसका एंड्रॉइड वर्शन
चार से ऊपर है, और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फोन किसी के पास बचा होगा जिसका चार से नीचे है, क्योंकि चार से नीचे ना फेसबुक चलता है ना व्हाट्सएप चलता है. ओके सो वो चलेगा. इसमें एआर कोर सर्टिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर यूजिंग द डिफरेंट टेक्नोलॉजी. कि हमें पता है कि हमारा जो लर्नर है दे आर सिटिंग एट मोस्टली इन द रूरल एरिया, सो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट एआर कोर का डेफिनेटली दैट्स अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, है ना. सो इसमें आप ये ऐप अगर डाउनलोड करेंगे ना, सो उसके बाद ऐप को आप ओपन करेंगे, सो इसमें वेरी सिंपल मेन्यू इसमें अवेलेबल है. क्लास अभी एज आई सेड दैट वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास 9th एंड 10th है, सो ये कंसेप्ट जो है ये क्लास 9th में है. और इसमें भी हमने साइंस को फिर हमने डिवाइड कर दिया है, बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सो बायोलॉजी में चैप्टर 5 ये है ना, तो चैप्टर 5 में फिगर नंबर 5.5 है. सो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, सो इट्स अ 5 MB सिमुलेशन है. 5 MB कोई ज्यादा नहीं होता है. आपका फोन ओपन हो जाएगा, यू कैन सी माय हैंड, फोन ओपन हो गया. यू नीड टू स्कैन दिस इमेज एंड द सेल विल लाइव. 5.5 दिस इज एन एनिमल सेल. ओके सो दिस इज वेरी सिंपल. फिर आप अपने तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. सेवरल ऑर्गेनल्स, टैप ऑन एन ऑर्गेनल इन द लिस्ट टू नो इट्स स्ट्रक्चर. सो दिस इज द वन एग्जांपल. नाउ इसमें भी इफ यू सी जो फीडबैक जहां हम अपनी टेस्टिंग से हमें मिला कि हम फोन जो है ओके आई विल कम टू दैट पॉइंट कि फोन आपको कॉन्टिन्यूसली इमेज के ऊपर रखना पड़ेगा. सो वी चेंज इट बिट. ये वाला हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. एंड लेट मी शो यू अभी कंटेंट हमने जो बनाया है. So this is a digestive system, na? So let it come. Until then, let me find the chapter. This is from chapter from class 10, na? So class 10, chapter 6. Because I need that digestive system image to scan this one, and you will see the content. Just wait for a few seconds. So this is the image of the digestive system. So let's scan that image if it works. The human elementary canal, digestive system. Because वो vertical है ना, इसलिए मेरा image जो है वो vertical है. Let us learn about the human elementary canal. Let me show my mobile phone. Click on any button from the side panel to learn more about it. Okay, so अब इसमें दिख रहे हैं कि ये इसमें खड़ा हो गया. But इसमें what changes we have did? जैसे ही आप स्क्रीन से इसको हटा देंगे ना, तो इसमें एआर कैमरा ओपन हो जाएगा लाइक दिस वन. ओके सो नाउ यू कैन सी द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वी हैव अ बटन ओवर देयर एआर कैमरा. इफ यू क्लिक इट नाउ यू कैन सी द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो दैट चेंजेस वी हैव मेड जो अभी कंटेंट आने वाला है. सो इसमें आप डिफरेंट पार्ट्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के उनको देख सकते हैं. इसको जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं, है ना. एंड देन we have learning objectives also. So isme se for example do menu humne side pe bhi diye hai. For example we want to know about the elementary canal, so click on elementary canal organ. The elementary canal is the long tube through which the food that we eat is passed. It begins at the mouth, passes through the oesophagus or food pipe, stomach, small intestines, large intestines, rectum, and finally ends at the anus. The food particles gradually get digested as they travel through accessory organs. Accessory organs are organs which participate in the digestion process, okay, but are not actually a part of the elementary canal. They stimulate the digestion
इसमें आप इसको हाइड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को, इफ यू हैव प्रॉब्लम विद कि आपको वो दिख नहीं रहा है, आप इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन क्लोज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव. सो इसमें आप लेट अस सी हाउ डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी. सो फर्स्ट यू कैन यू सॉ दैट कि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स उसमें कौन से हैं. नाउ वी हैव द प्रोसेस, जैसे इंजेशन पे हम क्लिक करेंगे, यू सी द इंजेशन. The very first step involves chewing. The salivary glands, along with the tongue, helps to moisten and lubricate food before being pushed down into the food pipe. Salivary glands. The peristaltic movement. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or oesophagus. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the secretion. The stomach is a large organ which expands when food enters it. The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly. Gastric glands. The digestion in stomach is taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach. Okay, so rest of the activities you can do at your own. So see, in this way you can have a complete picture of alimentary canal, and definitely the content is relevant only to class 9th and 10th secondary classes. Okay, jab higher secondary ke liye aayega, so we will have more elaborative content. So iske liye hum book kar sakte hain. Okay, so I have a lot of queries over there. Okay, so currently this app is not available for iOS users. ठीक है, अभी Play Store में ही available है Android के लिए. Definitely next year we are planning for this. Okay. और scanning के लिए as I said that आपको ये app download करना है Play Store से, और जो particular चैप्टर का वो इमेज नंबर आप जिसका कंसेप्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, यू नीड दैट इमेज टू स्कैन. ओके, वही आपको करना होगा. और हाँ, फ्रेम से एग्जिट करने के लिए वहां एग्जिट का बटन है, ठीक. सो उसको आप एग्जिट करेंगे तो आप उसमें एग्जिट हो जाएंगे. हाँ, प्लीज. वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम पंजाब हैज आस्क्ड, काइंडली शेयर द नेम्स ऑफ सम ओपन सोर्स एआर वीआर सॉफ्टवेयर्स. हाँ, या आई डेलिबरेटली केप्ट दैट क्वेश्चन, सो आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन. सो सी, बेसिकली वन इज ऐप एंड अनदर आर सॉफ्टवेयर्स. ओके, सॉफ्टवेयर means for the development. App, it's a ready-made content to use it. So normally we don't have open source apps. We cannot say these words because it's not available as open source app. Some apps are open that can do, most of the apps actually are open. कोई भी app आप ले लीजिए, वो open होती हैं. उसमें कुछ content free मिलता है, कुछ नहीं मिलता है. Okay, so ऐसी apps आपको बहुत सारी available है. हम और भी एप्स का डेमोंस्ट्रेशन करेंगे एंड आई विल आल्सो शेयर द लिंक्स. सेकंड, सॉफ्टवेयर्स दैट्स स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपमेंट. ओके, एंड सिंगल पर्सन कैन नॉट डेवलप ऑगमेंटेड रियलिटी, बिकॉज़ जैसे हमारा अपना, मैं कहता हूं कि मैं स्पेशलाइज इन बायो, ठीक है. सो आई एम कंटेंट, माय पार्ट इज टू सी द कंटेंट. ऐसे ही बीटेक का बच्चा होगा, बीटेक का स्टूडेंट होगा, बीटेक का जिसने बीटेक किया होगा वो एक्सपर्ट होगा, या कोई और भी डिप्लोमा किया होगा, बट उसका जो एक्सपर्टीज है वो 3D सिमुलेशन डेवलपमेंट में है, ठीक. एक और चाहिए जो सॉफ्टवेयर पे काम करेगा. जैसे मैंने कहा कि हम यूनिटी यूज करते हैं, तो यूनिटी इज ओपन, यू कैन से इट ओपन, क्योंकि वो कोई पैसे चार्ज नहीं कर सकता है, फ्री है, तो वो हम यूज करते हैं, आप भी उसमें यूज कर सकते हैं. थर्ड पर्सन फॉर कोडिंग, फोर्थ पर्सन फॉर स्टोरी बोर्डिंग. तो इस तरीके से बहुत सारे लोग उसमें स्पेशलाइज्ड चाहिए, तो उस तरीके से वो जो है वो कंटेंट आप बना सकते हैं. सो बहुत सारी एप्स इसमें अवेलेबल हैं. यू गो टू प्ले स्टोर, जस्ट सर्च ऑगमेंटेड रियलिटी इन बायोलॉजी, यू विल गेटिंग द थाउजेंड्स, नॉट जस्ट द 100 एप्स, बट द 1000 एप्स.
ओके, बट वही है कि कंटेंट कुछ में फ्री मिलेगा कुछ में नहीं मिलेगा. सो लेकिन ये जो ऐप हमारा है सो इट्स फ्री है ना, सो ओपन यू कैन से बिकॉज ऑल एनसीईआरटी कंटेंट इज ओपन. सो ओपन आई मीन टू से इफ यू वांट टू ट्रांसलेट कि ये अभी इंग्लिश में है, आप चाहते हैं कि नहीं पंजाबी में बन जाए, तो आप कंटेंट को ट्रांसलेट करके दे दीजिए, वी विल राइट, है ना. सो या फिर आप इसको अडेप्ट कर लीजिए, आप पंजाबी में कर लीजिए जैसे हमारे वीडियोस होते हैं. सो इन दैट वे यू कैन डू इट. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. बट इसके लिए हमें ये, क्योंकि ये टारगेट बेस है, तो इसके लिए हमें ये चीज इमेज जो है वो हमें चाहिए. अब हम थोड़ा सा वर्चुअल रियलिटी की तरफ कुछ रिसोर्सेस को हम लोग देखते हैं कि उसमें कैसे हमारे पास रिसोर्सेस जो है वो अवेलेबल है. बट आई सेड दैट इन बायोलॉजी, इन वर्चुअल रियलिटी एक्चुअली, आप कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, वर्चुअल रियलिटी को एक्चुअल में देखने के लिए वी रिक्वायर वर्चुअल रियलिटी बॉक्स, जिसे हम वी आर बॉक्स जो है वो हम कहते हैं. ठीक है, वन ऑफ द पर्सन हैज रेज्ड हैंड. हां प्लीज प्रताप सिंह सर, सर मैं ये कह रहा हूँ सर, जो अभी जो ये ई पार्सल ऐप था जो हमने डाउनलोड भी किया प्ले स्टोर से, मोबाइल में काम भी कर रहा है सर, इसका कैमरा ओपन होता है तो जो ये इमेज जो है वो केवल इस बुक के अंदर जो प्रिंटेड इमेज है उसी को स्कैन करेगा, या ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई सी भी इमेज होगी उसको स्कैन कर सकता है? ये सिर्फ इस बुक की इमेज को करेगा, फिर वो सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, हार्ड कॉपी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, प्रिंटेड पेज भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी इमेज को करेगा. इसी इमेज को नहीं सर, ऐसी इमेज ही मान लीजिए किसी दूसरी टेक्स्ट बुक में है ये इससे तो करेगा. जैसे देखो अभी जैसे हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अडेप्ट है ना, तो अगर मतलब यही इमेज अगर दूसरी टेक्स्ट बुक में है तो भी करेगा, उसके पीछे जो लोगो लगा है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, बट यही इमेज होना चाहिए, ऐसा इमेज नहीं होना चाहिए, यही इमेज होना चाहिए, सेम इमेज होनी चाहिए बिल्कुल. फिर आप चाहे तो दूसरे फोन पे ओपन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पीडीएफ अवेलेबल है ना. सर इसको मान लीजिए अब क्लासरूम में टीच करना है बच्चों के सामने इसको, इस टॉपिक को, और इसी फॉर्मेट में, तो अपना मोबाइल फिर उस बड़ी स्क्रीन पे चलाना पड़ेगा. बाकी क्या बड़ी स्क्रीन पे इसको डायरेक्टली बिना मोबाइल के चला सकते क्या? नहीं चला सकते सर, आपको बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसे मैं कर रहा हूँ. लैपटॉप की स्क्रीन पे मतलब ये पॉसिबल नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं पॉसिबल है सर, क्योंकि उसमें सेंसर्स नहीं है. जी 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 बिल्कुल सर, बस ये कंफ्यूजन था. ओके ठीक है सर. ओके सो अब हम मूव करते हैं. आप प्लीज अपना हैंड लोअर कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सॉरी. नाउ वी आर मूव टू द वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी में जैसे मैंने कहा कि हमें डेफिनेटली इमेजेस जो है, हमें वर्चुअल रियलिटी बॉक्स जो है वो हमें चाहिए. सो उसमें थोड़ा सा एक कंटेंट मैंने ऑलरेडी इसमें लगा के रखा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कैसा दिखता है ना. सो इसमें एटनबर्ग का नाम आपने सुना होगा शायद, वो बीबीसी की बहुत सारी ऑलमोस्ट बायोलॉजी की सीरीज उन्हीं की है ना. सो हाउ टू एग्जिट फ्रॉम पिक, हाँ सी जैसे मैंने कहा कि अभी जो कंटेंट, अभी जैसे आपने ऐप डाउनलोड किया होगा उसमें जो कंटेंट है वो आप पिक से अभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये कंटेंट अभी जस्ट बना है, अभी रिव्यू हुआ है कंटेंट. सो वेरी सून मे बी बाई नेक्स्ट मंथ यू विल गेट दिस कंटेंट ऑन ई पाठशाला ऐप, उसमें हम अपलोड कर देंगे ठीक है. लेकिन अभी जो उसमें कंटेंट है वो आप उस पर एग्जिट नहीं कर सकते, वहीं पर स्टे रहना होगा. So from the next month you will have new content, तो उसमें वो आ जाएगा ठीक है. So virtual reality में हम लोग देखते हैं कि उसके लिए VR box चाहिए. So जो मैं देखूंगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ठीक है. So but just have a glimpse कि उसमें कैसा दिखता है. Just wait for a few seconds, वो initialize हो रहा है.
ओके सो इट स्टार्टेड ओवर देयर. तो जो मैं इसमें देख पा रहा हूँ ना, जैसे मेरा डैशबोर्ड है, आप भी एग्जैक्टली में वही देखेंगे. मुझे थोड़ा सा इसको करने दीजिए. सो अब मैं किसी भी साइड देखूंगा. सो यू कैन सी दिस इज माय एनवायरनमेंट वी आर बॉक्स, है ना. सो so you can see one documentary is going on. This is about the story of life. Okay, so you can see these are the causewaits, hai na. Causewaits ko aap jante, mujhe to sunai de raha hai but aapko pata nahi, and you can see the causewaits. Sir, it's not clearly audible to us, it's just visible to no us. Definitely it will not be audible because it's just costing. Okay, sir. But you can see what I am able to see over here. So, main kisi bhi side mein dekhunga. So you can see that you are able to see. And I am feeling that I am just beech mein hi tair raha hu. Okay, so like this one. इसमें basically as I said earlier कि जो आपके मतलब cheap वाले भी 250-300 से Amazon पे शुरू हो जाते हैं, I have with me office में है, so उनको भी आप use करके अपना mobile phone में content render करके आप इसमें देख सकते हैं. तो इसमें biology की कुछ apps हैं that I will show you and then we will move towards the augmented reality because it's possible to show augmented reality in now. In this session, but definitely you will not be able to enjoy the virtual reality because you require that headset. है ना? अगर मैं पहन के बताऊंगा मुझे तो दिखेगा, पर आपको नहीं दिखेगा. You can take any, just go to Amazon and VR set, है ना? VR headset आपको वहाँ पे मिल जाएगा. आप वहाँ से कोई भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वी कॉल्ड इट Oculus Rift Quest 2. ना अच्छा मेरा वाला मैं लिख देता हूँ. इफ यू अफोर्ड टू हैव दिस वन. ओके सो बिकॉज़ आई एम आल्सो डेवलपिंग द कंटेंट इन वर्चुअल रियलिटी सो दैट्स व्हाई आई हैव दिस वन. इसमें इफ यू सी वी हैव दिस ह्यूमन एनाटॉमी ना, इसमें कुछ कंटेंट जो है वो फ्री है और बाकी सारा जो है कुछ भी है ना. सो इसमें AR, VR, MR, इसमें सब टाइप का कंटेंट जो है वो आपके पास में अवेलेबल है. एंड यू कैन सी दिस टाइप ऑफ कंटेंट. तो सिंपल वाला वीआर बॉक्स भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं. सो कभी कभी ये क्योंकि एज आई सेड दैट कुछ टाइम के लिए फ्री मिलता है तो कई बार वो एड दिखाना शुरू कर देता है. इफ शो एज एड तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है. सो देन यू कैन ट्राई एट योर ओन. वी विल गो फॉर द डिफरेंट अदर टाइप ऑफ कंटेंट, है ना. सो इट्स आस्किंग फॉर टू वॉच एन एड. ओके सो वी विल ट्राई सम अदर कंटेंट. So there is one app, this is actually free app for the dissection of the frog. ठीक है, so इसमें you can see, you can do the full dissection of the frog. ठीक है, right from your own in online classes. है ना, so classifying animal or organisms उसका भी के पास में है. यहाँ पे frog dissection का है, aerobic and anaerobic respiration का है. So let's have this frog. So I will be moving out of my camera for a second. Kuch time ke liye, you know. So
In this AR activity, you will dissect the virtual frog to learn about its... And then start. So, because I required that surface, so many ways I set karke rakha, external anatomy and internal anatomy. Let's go to the internal anatomy. So, we require a surface. Yes, this is the surface. So you can see now it's live on my floor. So I'm just off my camera. So you have the voiceover. This may voiceover be aapke paas mein. Or move your device closer. Okay. So now let's perform the experiment. So as a teacher, we know ki pehle sabse pehle hame kya karna chahiye, hai na? So isme instructions bhi hain. Select appropriate tools from the tool tray to perform the experiments. Okay. So now mark. सबसे पहले हमें mark करना है pathway कि हमें कहाँ से इसको dissect करना होगा. और अभी तो वैसे भी dissection के ऊपर जैसे ban लगा हुआ है. So definitely it's a very helpful app. So click on the marker and you will see that it's marking the lines. कि हाँ आपको यहाँ यहाँ से पहले marker के साथ में आपको लगाना है. ठीक है. Then make the skin deep incisors. हमें incisors जो है वो लगाना है. So definitely आपको जो है वो यहां से लगाना है. ठीक है. जो जो मार्कर हमने लगाया है उसके ऊपर हम incisors जो है वो लगाएंगे. Okay, sorry. Just wait. Select the appropriate. Because इसमें यही प्रॉब्लम है कि मेरा फोन थोड़ा सा हिल गया है तो मुझे इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा. It is starting again. Because you require a surface, so accordingly you can mark this. Okay. So let's have the marker. This way. Okay, so marker jo hai wo laga diya hai, and then we need to cut the skin. Okay, now skin flaps jo hai wo uthane hai, to hume forceps jo hai wo chahiye. Take out the forceps and remove the skin flaps. Ab definitely iske baad hume thodi si pins chahiye unko settle karne ke liye. So click on the pins. Now one, two. Excuse me, sir. Yeah, please. Sorry to interrupt, but there is a message from the host that we have to complete our session till 4:25 and we have to go to that main meeting. 4:25, na? Yes. Okay, we will do that. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Because I am off the screen. Okay, so next, cut through the muscle tissues. So we need to cut through the muscle tissues with the help of scissors. Okay, and then move the cut flaps of the muscle tissues. Again, we require the forceps. Okay, again we require two pins. Now pick out the lever and place it on the tray. So let me try because my seating arrangement was not right. So just wait. Yeah. Okay. So I kept the lever at the proper place. So I clicked on the lever and you will see the lever.
Okay, so now cut the heart free. Just wait. Okay, so likewise, you can have the different organelles accordingly, and you can teach the whole dissection right from your mobile phone. So, like classifying the animals, you can also write, and aerobic and anaerobic respiration, you can also try it. So you may try at your own. So we'll be moving towards the next part. So if you have any question, any query relevant to this one, you may ask, please. Okay. From Ladakh, there is one question. What is the app that is letting your mobile screen on laptop? Okay. So like I'm doing, I'm using one open source app. Its name is SRCPY. I don't know the full form, but you can check it. So I will sharing. You can see that because this is very important, because I have tried a large number of apps, but this gives a high definition content, SRCPY. So open source hai. Google mein click karenge. So it will, you can take it from the GitHub. You know that GitHub, yahan pe sara open source content hame milta hai, especially the softwares. So I just put that link. Okay. Isme achhi baat kya hai ki aapko isko install nahi karna hai. Isko download karenge. Niche aap jayenge to window hai, open hai, kuch bhi hai aapka. So yahan se aap isko open karenge, theek hai? So window ke liye hai to yahan se download aap isko karenge. Linux ka hai. So library से आपको install करना होगा ये वाला command देके, जिन लोग Linux use करते हैं उनको पता है, ठीक है? तो Mac OS के लिए भी आपको install करना होगा. तो window के लिए आपको download करना होगा. जब आप download कर लेंगे, तो उसको extract जो आप करेंगे, तो उसको directly extract आपको इसके C में करना होगा. C में जाके program files में, यहाँ पे एक folder आप बनाएंगे SCRCPY और उसमें आप उसको paste कर देंगे, ठीक? उसके बाद ये कमांड प्रॉम्प्ट से चलता है जो मेरा ओपन है. इसके लिए आपको ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है और इसको देख के डरने की भी जरूरत नहीं है, बट आपको जब भी इसको ओपन करना है तो ये फोल्डर आपको ओपन करना होगा SCRCPY वाला, और इसका ये वाला लिंक आप कॉपी करेंगे, ठीक है? जैसे ये लिंक आप कॉपी करेंगे तो आपको पता होगा, जो लोग यूज करते होंगे, कि कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो कैसे चलता है. सो just a few seconds, you know? So command prompt, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है. So command prompt जो है वो cd से चलता है. cd आप करेंगे, जो आपने copy किया था link, उसको paste करेंगे, enter करेंगे, और फिर लिखेंगे scrcpy, और अपना जो data cable है उसको phone के साथ connect करेंगे and enter, ठीक है? First time में, क्योंकि मैंने इसको abruptly बंद किया है, तो मुझे थोड़ा सा दोबारा करना होगा. फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो उसका भी एक वीडियो छोटा सा है, वो मैं आपको भेज दूंगा. दैट्स क्वाइट सिंपल. इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या आता है कि ये पता नहीं आप लोग इसको जानते हैं कि नहीं, आउट ऑफ माइंड. ओके, एनीवे जो लोग जानते हैं वो लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो बट दिस इज द बेस्ट आई हैव फाउंड इट. Just wait. इसके अलावा भी बहुत सारे apps हैं, तो वो भी आप use कर सकते हैं. कुछ के लिए हमें internet चाहिए होता है, जैसे हम air dried use करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, है ना? Otherwise, this is good. क्योंकि वो उस पे ad आ रहा है, तो दिखाई देगा. Okay. No, it's not coding. But anyway, we are leaving it here. That's why I told you, इसके लिए कोई rocket science नहीं है. So, फिर आप जो हैं, वो air dried use करिए. ठीक है, air dried.
आपके लिए वो सिंपल है। हाँ बिल्कुल। सो कुछ और क्वेश्चन है, क्वेरी है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग आगे जा रहे हैं। ओके, लेट्स मूव वर्ड्स अप टुवर्ड्स अप सम मोर कंटेंट दैट वी हैव डेवलप्ड। सो लेट मी ओपन माय ऐप, लेट मी फाइंड आउट द कंटेंट फ्रॉम बायोलॉजी। ओके, सो दिस विल बी द न्यू ऐप जो नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाएगा, है ना। सो इसमें यू कैन सी दैट सेम मेन्यू हमने रखा है, क्लास 9th हो चाहे 10th हो। सो सो सब्जेक्ट इज साइंस एंड चैप्टर इफ यू से इट्स अ लाइफ प्रोसेस फ्रॉम साइंस एंड द टॉपिक इज excretory system of human beings, है ना। so so definitely I require that image. इसमें वो ऊपर जो image आ रहा है ना, वो image मुझे चाहिए scan करने के लिए। so I think the image is somewhere. Just wait. This image. So when I click on the load activity, so then it's loading from the internet. And till then, I will be also. And so you can see these are the VR box. You can purchase any you like. So you got on the Amazon. So you can see that because the first one I purchased for this one. And so at that time it was 350 rupees. And if you came to Delhi, you will find in Nehru Place at 250 rupees. And the second time I purchased the first one, this might be this one. This is also good, थोड़ा सा अच्छा है, so वो आप जो है वो कर सकते हैं. But you will have that enjoyment for the content. So our content is live. So let me. Because वो जैसे ही scan होगा तो हमारा इमेज चला जाएगा. ओके, सो नाउ यू कैन सी, अभी इसमें वॉइस ओवर नहीं है, ठीक है. सो बिकॉज अभी इसमें वॉइस ओवर डाला नहीं गया है. सो यू कैन सी, जैसे आप इसको दूर करेंगे, सो देन वी हैव द एआर कैमरा डायरेक्टली ओवर देयर. ओके, सो नाउ यू कैन सी द कंटेंट, कि इसमें आप कंटेंट जो है वो देख सकते हैं. देन यू कैन, अभी इसमें वॉइस इसमें नहीं है. So, for example, can study about the kidneys, can study about the renal veins, renal arteries, ureters, urinary bladder. So, like this one, you can have that content that you can see. And then there is option to close the activity. So, you click on this one and this activity we close. This will be the new app. Sorry. Okay, so now we are open to question and queries and troubleshoot. If you have any question query, you may ask. And if you wanted that some more content be shown, I will show. And you will get the contact detail of all the resource person at the end of the workshop. ठीक है, वो आपको उनके थ्रू जो है वो मिल जाएगा. एंड एनीवे वी आर अवेलेबल ऑन गूगल. यू जस्ट टाइप माय नेम एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन.
So if anyone have any query, so please ask. Okay, so now comes to the virtual reality. Virtual reality development is concerned is of two types. Okay, the things that we can see, jo hum dekh sakte hain, that we can capture with the help of mobile cameras. Okay, and those content, type of content, are the process that we are unable to see. We can capture that with help of some softwares, or we can make 3D simulations, like what's happening inside the body. अगर आपको उसके ऊपर वी आर बनाना है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको 3D मॉडलर्स चाहिए, वो जो मॉडल बनाए. बट आई सेड दैट इफ यू वांटेड कि नहीं, जो हम देख सकते हैं इन बायोलॉजी, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट वी कैन सी इन बायोलॉजी, वी विल सी द डाइवर्सिटी अराउंड अस, मे बी एनिमल्स. यू आर विजिटिंग अ जू, यू कैन कैप्चर दैट विद हेल्प ऑफ कैमरास. माइट बी द एनवायरमेंटल चेंजेस, पोल्यूशन कैप्चर कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के रेलिवेंट आप कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के रेलिवेंट आप कर सकते हैं. तो दैट यू कैन डू, एंड दैट यू कैन डू बाई यूजिंग यूर मोबाइल फोन, है ना. तो वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हैं. एज आई सेड दैट ऑगमेंटेड रियलिटी यू कैन नॉट डू इट अलोन, बट वर्चुअल रियलिटी डेफिनेटली डू इट. सो यू रिक्वायर यूर मोबाइल फोन कैमरा एंड फ्यू सेंसर्स. ओके, सो जस्ट ओपन यूर मोबाइल फोन कैमरा, एंड not just the camera but definitely the mobile phone, and one app you need to install is the Street View app, Google Street View. So you require to download this app. Just let me share my screen. This is the app that, and this is the actually only app. I tried not just the hundreds, but thousands of apps and thousands of softwares from the last 6 years. Okay, so this is currently the app available that can capture a truly 360 panorama. As I said that, वो भी जो आपने देखा था महात्मा गांधी वाला, that's the combination of the different 360 degree panoramas. Google ने इसको अपने काम के लिए बनाया, जैसे map के ऊपर आप देखें, सो वहां पे 360 डिग्री फोटोज रेस्टोरेंट्स के और बाकी चीजों के वो उसके लिए है. बट वी यूज दिस ऐप टू कैप्चर दैट कंटेंट एंड स्टिच दैट कंटेंट बाय यूजिंग सम अदर सॉफ्टवेयर्स. ओके, तो इसमें लेट मी शो यू वन डेमो. ओके, सो से फॉर एग्जांपल दिस इज माय मोबाइल फोन, फाइंड आउट स्ट्रीट व्यू. Sorry. Okay, so this is the app. So click on create and go to photosphere. So when you go over there, आपका कैमरा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और इसमें ये व्हाइट डॉट जो है वो आ जाएगा. तो जो भी प्लेस आपको कैप्चर करना है उस प्लेस के सेंटर में आप जो है वो खड़े हो जाइए. लेट मी शो यू वन वीडियो अलॉन्ग साइड, क्योंकि अभी हमारे पास में थोड़ा सा टाइम है, उसके साथ साथ में हम देखते जाएंगे. डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स. ओके, सो इसमें
इंस्टॉल करेंगे, और आपको पता है गूगल के सारे ऐप उसकी ईमेल आईडी से ही चलते हैं, तो डेफिनेटली वो जीमेल आईडी के साथ करना है, एंड देन दोनों चीजें साथ साथ में हम लोग चलाएंगे, फोन भी और ये वीडियो भी। इसमें मैंने वो बंद कर दिया है वॉइस ओवर, बट यू कैन सी वेट ना, सो वहीं पे है। सो आपको आराम से खड़े होना है, बिल्कुल सीधा फोन ऐसे करके, बिकॉज इट विल बी टेकिंग डिफरेंट सेंसर्स, जैसे जीपीएस है ना, तो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, बट यू आर नॉट अ रोबोट, बट ट्राई डू एज मच एज काम एज पॉसिबल। ओके, सो जैसे आप खड़े रहेंगे, सो यू कैन सी कैमरा ओपन हुआ था और उसमें वो कैप्चर हमने कर लिया। व्हेन यू कैप्चर दिस डॉट, यू हैव फोर मोर डॉट्स, इट्स सेइंग दैट यू कैन गो टू एनी ऑफ द डायरेक्शन, बट प्रेफरेबली आई गो टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोस्टली। ठीक है, तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये डॉट उसमें आते जाएंगे। सो लेट्स सी दिस वीडियो, आई विल एक्सप्लेन दैट वीडियो टू यू। हाँ, इसमें ट्रबल शूट क्या है, इफ यू कैप्चर द फर्स्ट डॉट इवन इफ योर कैमरा इज ओपन, सो इट मीन्स यू हैव गायरो सेंसर्स इन योर मोबाइल फोन। अगर कैमरा ओपन नहीं हुआ, सो दैट्स नॉट अ ट्रबल शूट, दिस इज अ सीरियस इशू विद योर मोबाइल फोन दैट यू डोंट हैव अ गायरो सेंसर। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू परचेज अ फोन, आपको उसमें सारे सेंसर्स आपको देखने हैं। ठीक है, तो ये गायरो के साथ काम करता है। फिर इसमें एक्सेलरोमीटर काम करता है, तो एक्सेलरोमीटर फोन में होता है, बट सिंपली एज अ लेमैन, अगर आपका कैमरा खुल गया तो यू हैव गायरोमीटर, अगर नहीं खुला तो यू डोंट हैव द गायरोमीटर, एंड दिस इज द हार्डवेयर, सो नो ऑप्शन ओनली टू चेंज योर मोबाइल फोन। ठीक, तो ये आपका ओपन हो जाएगा, सो देन उसके बाद में यू स्टार्ट मूविंग क्लॉक वाइज, जो जो डॉट आते जाएंगे उनको कैप्चर आप करते जाएंगे। ठीक है, तो ये सीआईटी का ही वहीं पे बनाया गया है ना, तो जितने डॉट्स आते जाएंगे वो सारे डॉट्स आप कैप्चर करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप फोन को थोड़ा सा वो करेंगे ऊपर की तरफ, तो आप ऊपर वाले डॉट कैप्चर करेंगे। एक सर्कल आपने यहाँ से कैप्चर करना है, दूसरा सर्कल यहाँ से कैप्चर करना है, और फिर कुछ डॉट आपके सर के ऊपर रह जाएंगे, तो वो डॉट मतलब सारी तरफ से आपको वो कैप्चर करना है। ऑटोमेटिकली ये होगा, आपको बस ये डॉट बीच में लाते जाना है। ठीक है, सो फिर कुछ डॉट आपके सिर के ऊपर है, फोन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और फिर एक सर्कल आपका वेस्ट के नीचे है। ठीक है, तो उसको आप लोग जो है वो कैप्चर करेंगे। तो जब आपका वो कैप्चर हो जाएगा, फिर कुछ डॉट आपके पैर के नीचे, शूज के नीचे रहेंगे। Try not to capture. बस उस टाइम पे आपको अपने शूज हिलाने हैं, उधर उधर होना है, उससे पहले आप मूव नहीं होंगे। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा कैप्चर हो जाता है, सो इट हैज अ ब्यूटीफुल AI, तो वो आपका रिमूव जो है वो कर देगा। ठीक है, लेकिन ओपन प्लेस ही कैप्चर करिए, जितनी चीजें आसपास होंगी उतना प्रॉब्लम आपको होगा। दैट्स व्हाई टोल्ड यू टू कैप्चर एनवायरमेंट चेंजेस, टू कैप्चर अबाउट द डाइवर्सिटी, टू कैप्चर अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, बस आपको इतना ही करना है। एंड देन ये जो यहाँ पे ग्रीन आपका नीचे, वो ग्रीन हो जाएगा पूरा का पूरा सर्कल, और उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एंड दैट्स इट। आपका वेरी ब्यूटीफुल जो है वो आपका पैनोरमा बन जाएगा। ठीक है, सो वी आर आउट ऑफ टाइम, सो दैट माइट बी द फर्स्ट स्टेप। मैं ये आपको भेज देता हूँ लिंक, दैट माइट बी द फर्स्ट स्टेप टू मूव टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द वर्चुअल रियालिटी फॉर यू पीपल। ओके, सो आप इसको कॉपी कर लीजिए वहां से, एंड नाउ वी आर मूविंग इन द मेन सेक्शन। सो वहां पे आपका जो भी फीडबैक है वो आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए, बिकॉज वी हैव 2 मिनट्स, सो वी आर मूविंग टू टुवर्ड्स मेन सेक्शन। ठीक है, सो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक थोड़ा और मजा नहीं आएगा, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी एंजॉयिंग ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, एंड इफ यू हैव द गैजेट्स, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। Excuse me, sir. Yeah, please. One of the person from UP, Satish Kumar, has raised hand. Okay, let me check. Yes, sir. Please unmute yourself. Hello. Yes, sir. Please. Sir, only gyro sensor का जो phone होगा उसी में work करेगा ना? बिल्कुल सर, उसी में करेगा। आपको वर्चुअल रियलिटी के लिए वो सेंसर्स चाहिए।
ओके ओके थैंक यू सर। और ये मोस्टली सब फोन्स में होता है, जैसे मैंने कहा ये होता है, कुछ सैमसंग के फोन हैं जो 10-12 हज़ार के नीचे थे, मतलब अब दो साल हो गए उसको मुझे चेक किए हुए, तो डेफिनेटली अब सब में आता ही होगा, पर अगर नहीं है तो वो हार्डवेयर है, चेंज नहीं होगा सर। ओके थैंक यू सर, वेलकम सर। प्रताप सर आप कुछ पूछना चाहते हैं, सो प्लीज अनम्यूट करिए प्लीज। सर मैंने ये गूगल स्ट्रीट व्यू ऐप डाउनलोड किया सर, और अभी मैंने कैमरा ओपन किया तो मुझे केवल एक येलो डॉट दिख रहा है, मैं मेरे रूम का ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे सिंगल ही येलो डॉट दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, तो अब एक सिंगल येलो डॉट मिला है, तो फोन को थोड़ा सा घुमा, आपको बेसिकली पूरा सर्कल ऐसे करके घूमना है सर, तो येलो डॉट आते जाएंगे। यस, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या अप एंड डाउन। यू ट्राइड इट, कमरे में मत करिएगा, बाहर जाके करिएगा, और उसमें एक ऑप्शन है अपलोड टू द गूगल, एक क्लिक में अपलोड हो जाएगा, तो वो मत करिएगा, ठीक है, दैट्स सोलली ऑन यू सर। ओके थैंक यू सर। हाँ प्लीज सतवंत सर क्विकली, वी हैव 20 सेकंड्स, वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, मुझे जानना है, मैंने अभी रिकॉर्ड किया था स्ट्रीट व्यू से, और जो इमेज पैनोरामिक जो इमेज रेडी हुआ है उसको मैं शेयर कर सकता हूं किसी के साथ डायरेक्टली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, वी आर मूविंग टू द मेन सेशन, आई विल आंसर ओवर देयर, वी हैव 1 सेकंड, गो।